क्या डेयरी मिल्क बनाने में सुअर के मांस का इस्तेमाल किया जाता है? आइए जानते हैं कि डेयरी मिल्क कैसे बनती है। सबसे पहले खेतों से कोको फल को तोड़कर उनके अंदर से बीजों को बाहर निकालते हैं। फिर इन बीजों को सुखाकर फैक्ट्री पहुंचाते हैं। वहां इन बीजों को रोस्ट किया जाता है। फिर इन बीजों को मशीन में डालकर पाउडर बनाते हैं। उस टाइम पाउडर में क्रीम और शुगर मिलाते हैं ताकि ये कड़वे से मीठे हो जाएं। फिर इसमें कोको ऑयल और बटर को मिलाया जाता है और डेयरी मिल्क बनकर तैयार हो जाती है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आउट ऑफ कंट्री जो डेयरी मिल्क मिलती है उसमें मांस का उपयोग किया जाता है, पर इंडिया में मिलने वाली किसी भी चॉकलेट में मांस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। फैक्ट नंबर 2, 1 किलो चॉकलेट बनाने के लिए लगभग 800 कोको बीज की जरूरत पड़ती है। वैसे आपकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है कमेंट करके जरूर बताना।